ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वैसे तो मुमरा कौसा में तमाम बैंक है और इन बैंकों के बारे में शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। कस्टमर और बैंक कर्मचारियों के बीच कभी कहा सुनी भी हो जाती है तो कभी बैंक छोटे छोटे कामों के लिए कस्टमर को कई दिन दौड़ाते हैं। आज कौसा कब्रस्तान के पास केनरा बैंक में नशेमन कॉलोनी के रहने वाले जशीन दलवी 50,000 का सेल्फ चेक लेकर पैसे निकालने पहुंचे, मगर बैंक कर्मचारियों ने अकाउंट होल्डर को बुलाने को कहा और इन्हें पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद बैंक मैनेजर और कर्मचारियों के बीच जशीन दलवी से कहा सुनी हुई। जशीन का कहना है कि इसी बैंक में उनका भी अकाउंट है और चेक पर जो सिग्नेचर है वो भी मैच कर रहा है, मगर बैंक की तरफ से जशीन दलवी की वाइफ अकाउंट होल्डर यानी आसमा दलवी को बुलाने की मांग की गई, मगर जशीन ने कहा कि बाहर गई हैं और नहीं आ सकती। तमाम अटकलों के बाद बैंक ने जशीन को 50,000 रुपये दिए, मगर घंटों कहा सुनी हुई। जशीन और बैंक मैनेजर दोनों एक दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का आरोप लगाते रहे। मैं यहाँ कैनरा बैंक में आया था अपने वाइफ का चेक लेके, सेल्फ चेक जिस पे लिखा हुआ था और उसमें जो है 50,000 का अमाउंट विड्रॉ करना था। जब मैंने कैशियर के पास जो है चेक दिया तो उन्होंने कहा कि जो है आपके वाइफ का जो है सेल्फ चेक लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि मेरा अकाउंट है इस बैंक में तो आप वेरीफाई कर लो मेरी सिग्नेचर्स वगैरह और उसके बाद जो अमाउंट विड्रॉ कर लो। तो उन्होंने जो है मेरा अकाउंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद सिग्नेटरी को दिया उन्होंने चेक जो है, तो सिग्नेटरी ने जो है उनको रिफ्यूज़ कर दिया, बोले कि नहीं आपका चेक जो है सेल्फ लिखा हुआ है तो आपको जो है सेल्फ चेक पे हम अमाउंट नहीं दे सकते, उसको काट के जो है आप अपना जो है नाम लिखो और दूसरी सिग्नेचर लेके आओ या तो जिसका चेक है उसको लेके आओ। तो ये कहने के बाद जो है हम जो है बाजू में गए उनके जो है असिस्टेंट के पास जिससे उनका जो अप्रूवल ले रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा इस पर पॉलिसी जो है हम आपको जो है पैसा नहीं दे सकते क्योंकि आपके चेक पे जो सेल्फ लिखा हुआ है तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। फिर जो प्रीवियस मैनेजर थे अजय शर्मा जी उनसे फ़ोन लगा के उनसे बात करवाई तो उन्होंने बोला कि जो आपका सेल्फ चेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सिग्नेचर राइट से, तो उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि जो है नहीं फिर भी हम आपको देंगे नहीं, एज पर द पॉलिसी जो है हम आपको जो है कैश नहीं दे सकते, आप जो है उस पर अपना नाम लिखा के लेके आओ या तो जो है जिसका चेक है उनको लेके आओ। तो उसके बाद हमने जो है कहा कि जो है आप जो आपका हायर अथॉरिटी जो है उनका नंबर मुझे दीजिए, तो उन्होंने जो है एक नंबर मुझे थाना का नंबर दिया, तो हमने उनसे बात करने के बाद जो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको पैसा मिल जाना चाहिए अगर आपका बैंक में चेक भी है और सिग्नेचर में कोई वेरिफिकेशन नहीं है तो भी जो है उन्होंने कहा कि नहीं आपको जो है पैसा मिल जाना चाहिए। उनके कहने के बाद जो हमने उनसे कहा कि जो है आप जो है इनसे बात कीजिए अपने ब्रांच मैनेजर से, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे दीजिए मैं भी बात कर रहा हूँ मेरे सर जो है वो भी उनसे बात करेंगे। तो उससे बात करने के बाद जो है उन्होंने जो है मुझे अमाउंट नहीं दिया और उसके बाद जो है कुछ टाइम जो है बहस करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए इधर, मतलब अभी क्या हो गया, तो बोले हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो एक घंटा हमारा ख़राब करने के बाद जो है वो जो है बोलते हमारे सर्कुलर है, मतलब आप सर्कुलर चेक कीजिए, पहले तो मुझे बोलते कि हमारे पास सर्कुलर है हम आपको पैसा नहीं दे सकते। एक घंटा जो है हमारा वेस्ट करने के बाद जो है सर्कुलर बोलते हैं हमारे सर्कुलर में जो है सर्कुलर के हिसाब से हम आपको पैसा दे रहे और आपने इसके पहले जो ब्रांच मैनेजर वगैरह से बात की उसकी कटसी की वजह से हम आपको पैसा दे रहे। तो इस तरह की जो परेशानी जो है कैनरा बैंक जो है कौसा ब्रांच में जो दी जा रही है, हमने उनसे जो हायर अथॉरिटी उनसे कहा कि जो तुम्हारा मैनेजर है बहुत बदतमीज आदमी है और सही से बात भी नहीं करता है और इससे जो है इसके पहले हमने कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं की। वहीं केनरा बैंक के मैनेजर अशोक कुमार ने बताया है कि सेल्फ चेक लेकर आए थे और इन पर बैंक के स्टाफ को शक हुआ, इसलिए हमने अकाउंट होल्डर को सामने लाने की मांग की और अहम बात यह है कि अकाउंट में दिए गए नंबर पर कॉल नहीं लग रहा था, मगर हमने पूरी तरह से इनकी जाँच पड़ताल की इसलिए समय लगा और जब हम इनसे पूरी तरह से संतुष्ट हो गए उसके बाद ही इन्हें पैसे दिए। वहीं बैंक मैनेजर ने बताया कि हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए हम जांच करते हैं फिर पैसे देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सही है कि एटीएम और जाली सिग्नेचर से भी लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, इसलिए बैंकों की तरफ से भी एहतियात के तौर पर पहचान करना ठीक है। तो तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।